हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आपका स्कॉर्पियो फीचर सीरीज़ में। और आज बात करेंगे जी स्कॉर्पियो के ऑटोमेटिक एसी की, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जो अपनी स्कॉर्पियो S9 में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस एक चीज़ बता दूं आपको, ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे मैं आज इसकी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस हैं, बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी चीज़ें हैं इसमें, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें और क्या क्या चीज़ें आपको बताऊँ। तो आज हम सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी समझेंगे, फिर पार्ट बाय पार्ट इसका मैं आगे बना दूंगा वीडियो। तो आज ये देखते हैं कि ऑटोमेटिक एसी कैसा होता है, स्कॉर्पियो में कैसे काम करता है और उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। आज इतना ही, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, रैपिड कूलिंग, डिफ्रोस्टिंग, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज सिर्फ ओनली इसकी फंक्शनिंग समझते हैं। चलिए आ जाए। जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो इस तरह से अपना जो एसी है ऑन हो जाता है। एक बार मैं अपनी ये जो स्क्रीन है इसको ऑफ़ कर लेता हूँ, और ऑफ हो गई है। और अभी आप देख पा रहे हैं ये अपना ऑटोमेटिक एसी है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो हमेशा ऐसे ऑन रहता है ये जो रिसर्कुलेशन है हमेशा ऑटोमेटिक ऑन मोड में आ जाता है। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और बाकी इस तरह से ये फंक्शन रहता है। चलिए अभी वन बाय वन बात करते हैं। अगर आपको ऑटो मोड यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, सिंपली इसको ऑटो दबा दें, इस तरह से एसी ऑन हो जाएगा। ये जो नोब देख रहे हैं आप, ये टेम्परेचर कंट्रोल की है। यहाँ पर ये टेम्परेचर है, ये इनसाइड कैबिन का है। अगर आप इसको कम करेंगे तो इस तरह से कम हो जाएगा, और जो देखिए ब्लोअर की आवाज़ आने लगी होगी आपको, उस हिसाब से एसी एडजस्ट करता है अपने आप को। अगर अपने मतलब गाड़ी में थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, कूलिंग चाहिए, तो जैसे ही आप 20 पे करेंगे तो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 20 मेंटेन करने के लिए ब्लोअर अपनी स्पीड बढ़ा देगा, यानी कि ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। और वो कैसे करता है मैं वही बताता हूँ। ये जो आप इधर पॉइंट देख रहे हैं, इसी से कैबिन के अंदर का टेम्परेचर मेजर होता है, ठीक है जी। और ये देखिए ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है, रिसर्कुलेशन मोड पे चला जाता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं, जैसे ऑटो पे ऑन करते हैं आप, अगर इसको लेफ़्ट की तरफ घुमाते हैं तो टेम्परेचर कम होगा, और प्लस की तरफ घुमाएंगे रेड की तरफ तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और ब्लोअर की स्पीड भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। और अगर आपको मैनुअल एसी चलाना है तो इस नॉब पे आ जाइए, इस नॉब को लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो फ़ैन की स्पीड आप यहाँ पे देख पाएंगे। फ़ैन की स्पीड देखिए माइनस पे करने पे कम हो जाती है, प्लस पे करने पे बढ़ जाती है, इस तरह से ये काम करता है। और अगर आपको एसी ऑफ़ करना है तो सिंपली इसको दबा दे, एसी ऑफ़ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये अगर सिर्फ एसी ऑन करने का बटन है, इसको एसी ऑन यहाँ से हो जाता है, इस तरह से एसी ऑन होगा। ऑटोमेटिक एसी ऑन करना है तो यहाँ पर दबा दें, और अगर एसी ऑफ़ करना है तो इसको दबा दें। ये देखिए एसी ऑफ़ हो गया। लेकिन जैसे ही आप ऑन करते हैं गाड़ी तो हमेशा ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन मोड में रहती है गाड़ी, इसको मैनुअली आपको बंद करना पड़ेगा अगर बंद करना चाहते हैं तो। ये जी एसी के फंक्शंस। ये तो ऑटोमेटिक एसी, उम्मीद करूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी जो हार्ड की दी है इन पर वो भी बात कर लेते हैं। आप सबको पता ही होगा जैसे ही अपने फेस की तरफ हवा करनी है तो इसको प्रेस करेंगे तो फेस की तरफ हवा हो जाएगी, इस पर प्रेस करेंगे तो फुट और फेस होगा, ये सिर्फ अपने फुट की तरफ है, और ये अपने डिफ्रोस्ट करने के लिए है जो अपने विंडशील्ड पे हवा मारेगा। अच्छा एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, अभी आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि जो डिफ्रोस्ट के लिए हवा है या फिर वेंट्स कहाँ कहाँ पर हैं वो सारे अपने आपको अभी नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर, तो गाड़ी में वेंट्स जो बने हुए हैं हवा के देख सकते हैं आप। और अभी जो इस तरफ का आप एक बटन देख रहे हैं, ये फ्रंट विंडशील्ड को डिफ्रोस्ट करने के लिए, फोगी सीजन में जब सर्दियों में शीशे के ऊपर धुंध जमती है तो आप इसको ऑन करके सिंपली डिफ्रोस्ट कर सकते हो। इसके साथ देखिए एसी भी ऑन हो गया, क्योंकि कूलिंग के साथ डिफ्रोस्टिंग जल्दी होती है। अच्छा अगर ये तो हो गया फ्रंट विंडशील्ड का, अगर आपको पीछे का करना है, रियर विंडशील्ड का डिफोगर ऑन करना है तो वो कहाँ से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे। इसको प्रेस करते हैं तो रियर का डिफोगर ऑन हो जाता है। काफ़ी कुछ फंक्शन दिए हैं जो लोग सोचते हैं कि स्कॉर्पियो आउटडेटेड होगी, ऐसा नहीं है, बहुत ही काम के फीचर्स गाड़ी में मिलते हैं अपने को। कोई भी मोड ऑन करें आप, अगर फेस की तरफ कर रहे हैं या फुट की तरफ कर रहे हैं, तो ये जो रियर एसी अपने इवेंट्स देख रहे हैं आप, ये सेंटर रो में है,
और ये हमेशा ऑन रहते हैं। इसमें हार्ड की जो बनी हुई है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लेफ़्ट राइट है हवा करने के लिए, इस तरह से दोनों साइड हैं, और अगर इसको आप ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये फुल्ली एसी ओपन हो गया है। अगर इसको क्लोज करना है तो बिल्कुल नीचे की तरफ कर दें और ये लॉक हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक और काम की चीज़ मैं बता देखो, बहुत सारी गाड़ियों में आप नोटिस करना, कभी भी आप एसी वेंट्स को फुल्ली क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैंने ब्रेजा ली थी तो उसमें ये फंक्शन नहीं थे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी फंक्शन होते हैं, अगर क्योंकि कई बंदों को बिल्कुल भी हवा नहीं चाहिए होती है, कई बार ये थोड़ी थोड़ी कूलिंग भी करता रहता है अगर आप इसको लेफ़्ट या राइट में एक्सट्रीम कर देते हैं, और या फिर एसी बिल्कुल बंद भी कर देते हैं, तब भी आप नोटिस करना कि थोड़ी थोड़ी हवा आती रहती है एसी वेंट से। कई लोगों को वो भी नहीं चाहिए होती, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एसी वेंट्स क्लोज करने पड़ते हैं बिल्कुल। तो ये फंक्शन अपनी स्कॉर्पियो में दिया है, बहुत सारी गाड़ियां हैं आप नोटिस भी करके देख लेना, जिनमें आप एसी वेंट्स को क्लोज फुल्ली क्लोज नहीं कर सकते। तो ये यही मैं जैसे अभी दिखा रहा था आपको, अपने रियर एसी वेंट्स के ऊपर भी ये फंक्शन दिया है बंद करने का, ये देखिए, और फ्रंट में भी दिया है। चलिए मैं फ्रंट का भी फंक्शन समझाता हूँ आपको। जैसे कि अपने ये फ्रंट के वेंट्स देख रहे हैं आप, ये सेंटर के हैं और वो लेफ़्ट और ये राइट साइड का है। तो इसमें क्या क्या होता है आप ध्यान से देखिए, ये लेफ़्ट और राइट हवा के फ्लो के लिए हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, ये देखिए इस तरह से। और जो ये सेंटर में दिया है ये राइट साइड वाले के लिए, अगर इसको बिल्कुल फुल्ली नीचे की तरफ कर देंगे तो ये क्लोज हो गया, यानी कि इस वेंट से अब हवा नहीं आएगी। इसी तरह हर एक वेंट्स के साथ ये फंक्शन दिया है, देख पा रहे होंगे आप, वहाँ भी दिया है और इधर भी दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन लगता है, बहुत ही यूजेबल है मेरे को, मतलब मेरे लिए बहुत यूजेबल है ये चीज़। आपको स्क्रीन पे और दिखा देता हूँ मैं क्या क्या आता है जब हम एसी ऑन करते हैं। तो अभी स्क्रीन ऑन कर लेते हैं, ये देखिए स्क्रीन ऑन हो गई अपनी, और इसमें भी आपको देखना है एसी के फंक्शन से नज़र आएंगे। लेफ़्ट साइड में आप नोट कर पाएंगे, ये आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले है, आउटसाइड में टेम्परेचर कितना है वो है, ये फ़ैन की स्पीड है, जैसे हम कम ज़्यादा करेंगे तो आप नोट कर पा रहे होंगे। ये इस रोटेटरी नोब है जो इससे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए फ़ैन की स्पीड नोट हो रही है। ये अपना जो मोबाइल कनेक्ट है उसका नेटवर्क और बैटरी नज़र आ रही है, यहाँ पर डेट और टाइम नज़र आ रहा है आपको। तो एसी से जो रिलेटेड है वो ये दो चीज़ें हैं, पहले ये स्पीड भी नहीं आती थी शायद इसमें, अब इंट्रोड्यूस कर दी है और ये टेम्परेचर है। तो इस तरह से स्क्रीन में ये चीज़ें भी नज़र आती हैं आपको। आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मैंने कोशिश की है थोड़ा मोटा मोटा बताने की, और काफ़ी कुछ बचा है नेक्स्ट वीडियोस में, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और चलिए एक शॉर्ट वीडियो आज फिर पंजाबी गाने पे, कल वाली शॉर्ट नहीं बन पाई थी लेकिन आज वाली मैं ध्यान से बनाऊँगा और शॉर्ट वीडियो रखेंगे, तो शॉर्ट में जाके आप वो भी देख सकते हैं। अगर यूटिलिटी के हिसाब से देखें तो दोस्तों महिंद्रा ने काफ़ी कुछ दे दिया है गाड़ी में, जो कंपलसरी है, मतलब डेली यूज में जो चीज़ चाहिए ना वो सब कुछ दिया है गाड़ी में। अभी उम्मीद करता हूँ सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है, नॉर्मली जो अपना एसी ऑटोमेटिक एसी में जो फंक्शन है। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, और इसी तरह की फीचर सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।